अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको छोटी छोटी लाल पीली गोलियां जरूर दी जाती होंगी। ये गोलियां होती हैं आयरन और फॉलिक एसिड। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ कि फॉलिक एसिड आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसे क्यों कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतना ज़रूरी है और ये क्यों आपको लेना चाहिए और फिर आप ये गोली कभी भी मिस नहीं करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड ब्लड टेस्ट के बारे में ताकि आप जान सके कि आपका लेवल नॉर्मल है या नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फोलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो हमारी बॉडी में जितने DNA हैं, सारे DNA के रिपेयर वर्क में फोलिक एसिड काम आता है। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपका बच्चा डेवलप हो रहा होता है, बच्चे के कई सारे मिलियंस ऑफ सेल बन रहे होते हैं, हर सेल में होता है DNA जिसको बनाने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉलिक एसिड कम है तो फिर क्या होगा? अगर फॉलिक एसिड कम है तो बच्चे में बहुत गंभीर बर्थ डिफेक्ट जैसे कि एनेंसेफेली, मतलब बच्चे के ब्रेन का डेवलप नहीं होना, या फिर स्पीना बाइफिडा, मतलब कि बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका खुला रह जाना, या फिर उसका प्रॉपरली क्लोज नहीं होना, या फिर हाइड्रोसेफेलस, मतलब कि सर का बड़ा हो जाना और ब्रेन में पानी भर जाना। इस तरह की गंभीर बीमारियां होती है बच्चों में जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड खाना कब से शुरू करना चाहिए? देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं उसके भी 3 महीने पहले से आपको खाना शुरू करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मैंने इतने सारे बर्थ डिफेक्ट बताए, ये सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं पहले वीक में, मतलब जब आपको पता भी नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसलिए आपको, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले से खाना शुरू करना चाहिए, या फिर आप जैसे ही आपको पता चलता है प्रेगनेंसी का, आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो फिर डॉक्टर आपको ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको तुरंत खाना शुरू कर देना चाहिए बिना मिस किए। अगर फोलिक एसिड की कमी होती है तो शरीर में कपकपी लगती है या घबराहट सी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, एनीमिया हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आपको फील होते हैं। लेकिन ये सारे सिम्टम तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होते हैं, इसीलिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है। ये पता लगाया जा सकता है एक टेस्ट के थ्रू, वो है सीरम फोलिक एसिड टेस्ट। ये आपकी नियरेस्ट लैब में 1000 से लेके 1500 रुपीस तक में अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आपकी अगली प्रेगनेंसी है तो अपने आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके मेडिसिन जरूर चालू कीजिए और अपना टेस्ट करवा कर देख लीजिए। फॉलिक एसिड इसके अलावा नेचुरली जो अवेलेबल होता है वो होता है स्पिनच में, मतलब कि पालक में, बीन्स में और पीज में और लेंटिल्स में। लेकिन क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो नेचुरल वे में इतनी ज़्यादा फॉलिक एसिड हमें नहीं मिल पाती, इसलिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट है, इसे आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोज और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।